एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये साड़ी वाड़ी पहन के मैं कहाँ जा रही हूँ। वो कुछ नहीं सोच रहे। अरे सब सोचते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए सोचते हैं ना कि साड़ी पहन के कहाँ घूमने तो जा नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं जा सकती, गई नहीं हूँ ना साड़ी पहन के घूमने कभी। मॉल बना है तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। आज क्या है, देवता क्या बोलते हैं? आज कुछ है, मतलब आज शादियां बंद हो जाएंगी मतलब। और आज डेट कितनी है, 29। आज डेट है 29 जून और गुरुवार है आज। तो अभी हम सारे काम से फ्री होके 10 बज रहे हैं, अभी निकलना हो पा रहा है बच्चे के साथ। कितना भी जल्दी करो लेट हो जाते हैं। फिर दीदी से बोला था आप जल्दी आ जाना, फिर भी वो भी लेट हो गई। बट वो लेट नहीं हुई थी, उनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें टाइम तो लग गया थोड़ा बहुत। शाम को मैं उनसे मना करके आई हूँ कि शाम को मत आना क्योंकि हम लोग लेट आ सकते हैं, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा ना। तो चलिए चलते हैं। लड्डू महाराज हमारे सो गए हैं और लड्डू और मेरी आज थोड़ी थोड़ी मैचिंग हो गई है। और लक्ष्य बोल रहा था मम्मी लाइट कलर की साड़ी ना आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। अभी फुल लुक आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। बोल रहा था मम्मा रेड कलर की साड़ी आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है। और पतिदेव को लाइट कलर की साड़ी पसंद है तो बोल रहे थे कि यही अच्छी लग रही है। और पहले मैं आर्टिफिशियल पहन के आने वाली थी इयररिंग्स, फिर मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेते हैं छोटे वाले, तो फिर मैं यही पहन के आ गई। तो चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ, शाम तक वापस आना है। वैसे हम जाने वाले नहीं थे, फिर अचानक प्लान बना कि चलो चलते हैं क्योंकि हमें और भी वहाँ पर काम है जो आज ही निपट जाएंगे, फिर आगे हमें टाइम है नहीं। चलिए चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहना। तो ग्वालियर से निकलते ही मेरा अजीब सा मन होने लगा क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं आई। जब भी मैं कुछ खा के नहीं आती ना तो मेरा जी मचलता है बहुत ज़्यादा। सब लोगों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा, मैंने शीशा बाहर का ओपन करवाया और यहाँ पर लड्डू सो गया था तो लड्डू भी उठ चुका है। देखो कितना कमज़ोर हो गया है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी हाइट भी थोड़ा बढ़ रही है। चलिए चलते हैं, हम लोग सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं। मैंने विंडो ओपन कर दी है। तो अभी आ गए हैं कटिबरी हनुमान जी के मंदिर, ये गए हुए हैं। और आज पता नहीं बस नहीं चल रही है क्योंकि कुछ रैली वगैरह है शायद, इसलिए ये गए हुए हैं। देखो लड्डू को देखो। हेलो लड्डू, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा गए? देख कैसे देख रहा है। आ पापा, ए ए पापा को देख रहा है। देखो पापा को देख। आ देखो 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 कैसे देख रहा है आपको,
कैसे देख रहे हैं, देख रहे हो, देख दो ए? जी आगे बैठना चाहता है गाड़ी चलाने के लिए? कुछ तुम भी, मैं तो चाहती हूँ। बेबी बेबी मम्मो का बेटा, इतनी प्यारी प्यारी जामुन है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा होता है, आपने मेरे को सिखाई नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं जोरा, और यहाँ पर रोज बारिश हो रही है, रोज यानी डेली बारिश हो रही है। एक बात तो है, जोरा में फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते, सच बताऊं। गुड़गांव में अच्छे मिलते थे, ग्वालियर भी अच्छे मिलते हैं, बट उसी प्राइस में, ऐसा नहीं कम हो, उसी में यहाँ बहुत मतलब गंदे मिलते हैं। और एक जोरा में सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि गली में गाय बांध के रखते हैं, गाड़ी इतनी खड़ी करके रखते हैं कि निकलने के लिए जगह भी नहीं रहती, तो हालत ख़राब हुई है। हम कभी भी आते हैं ना तो हमेशा हमें इनकी गाय हटानी पड़ती हैं, भैंस हटानी पड़ती हैं, सारी गली एकदम यहीं लगा दो गाड़ी। चलो मम्मी के यहाँ गए। हेलो लड्डू, लड्डू गाय को देख रहा है। हेलो रुद्र, जी मेरी दीदी का बेटा, ये बड़ा लग रहा है, बहुत टाइम बाद देखा है ना। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मम्मी के यहाँ पे। जाते ही हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी, मम्मी और भाभी बना रही थी खाना, तो हम सब लोगों ने खाया खाना। उसके बाद मौसम ऐसा चेंज हुआ, कि बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो मैं सोच रही थी इतनी ज़्यादा काम मैं लेके आई हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था, और यहाँ पे बारिश होने की वजह से हम लोग मार्केट तो जा नहीं पाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सब लोग कितना अच्छा लगता है ना जब घर में सब लोग एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे, और यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हम सब लोग बातें कर रहे थे और मेरी दीदी की बेटे ने वीडियो बना ली। और जब किसी को नहीं पता रहता उस टाइम पर वीडियो बनाए तो क्या होता है, समझ सकते हो ना कैसे एक्सप्रेशन होते हैं फेस के। तो बस इसलिए हम सब लोग इस वीडियो को देख के हंस रहे थे। उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, हम लोग आ गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो एक्चुअली मुझे साड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के यहाँ से साड़ी लिए हुए या शॉपिंग करते हुए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं हमेशा गुड़गांव से शॉपिंग करती हूँ, कभी भी मम्मी के यहाँ आती हूँ ना तो पैसे लेके जाती हूँ, मम्मी हमेशा पैसे देती हैं कि तुम अपनी पसंद से ही वहीं से कर लेना। उसके बाद अभी हम आए हैं, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर ली हैं, अभी हम आए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, और यहाँ पे मैं पायल देख रही हूँ अपने लिए। एक्चुअली ये ऊपर वाली पायल है ना, वो भी इन्हीं की शॉप की है, देखो कैसी काली हो गई। इनको पहने हुए बस मुझे 2 महीने हुए हैं और इतनी काली हो गई, और ये लोग ना गारंटी भी नहीं लेते। एक शॉप में नहीं, कहीं भी चले जाओ कोई गारंटी नहीं लेता, ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भैया ने बहुत सारे डिजाइन दिखाए, देखो ये फिर भी ठीक लग रहा है। तो बस मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस टाइप से तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। मेरे पास इतनी पायल हैं कि अभी शादी की भी रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पायल नहीं पहनती हूँ, मैं डेली में पायल पहनती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं बट मैं पहनती हूँ, चाहे मैं जीन्स पहनूँ चाहे मैं कुर्ती पहनूँ, बट पायल, बिछुआ, बिंदी और सिंदूर मेरा कभी नहीं हटता है, कभी नहीं हटता। फैशन एक अलग सेंस में रह गया और ये सारी चीज़ें एक अलग सेंस में, मैं कभी नहीं निकालती हूँ। फिर यहाँ पे हमने करी पायल पसंद। उसके बाद अभी हम आए हैं एक और साड़ी लेने के लिए, तो आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। एक्चुअली ये येलो कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो मम्मी बोल रही थी ये साड़ी तेरे पे अच्छी लग रही है, यही ले लेते हैं। तो मैं कह रही, मैं कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं सोच रही थी क्या पता ये डिज़ाइन निकल गया है नहीं निकल गया। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। अब ये मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने कौन सी साड़ियाँ ली हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी दूसरे किसी ब्लॉग में। एक्चुअली ये सब साड़ियाँ मुझे मम्मी दिलवा रही हैं, पायल बिछुआ वगैरह और भी आइटम हैं, क्योंकि लड्डू की बर्थडे आने वाली है इसलिए, तो मैं खुद से नहीं ले रही हूँ ये सारी चीज़ें। 3 hours later हे एवरीवन, गुड इवनिंग। 6:15-16 हो गई है और अभी हम लोग मायके से निकल रहे हैं, और देखो गाय कितनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए हम मार्केट गए थे ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आई थी, कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर पाई हम लोगों ने। और हमारे साथ जा रहा है मोहित। हेलो मोहित। तो मोहित जा रहा है, मोहित के एक्चुअली एग्जाम चल रहे थे इसलिए वो यहाँ आया हुआ था, अभी मोहित फिर से ग्वालियर जा रहा है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जब हम गुड़गांव से आए थे ना कि तुम कहाँ रुके हुए हो, तो हम मोहित के घर पर रुके हुए थे ग्वालियर, जब तक हमारा घर शिफ्ट हो रहा था। देखो ये कह रहे कर्जा पटा रहे, उसको साथ लेके जा रहे हैं ना।
तो आज बारिश की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा उमस है। मेरा मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि सुबह में आई थी, शाम को जा रही हूँ और ऊपर से बच्चे भी, तो मतलब नहीं हो पाता। और मैंने कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी थी वो भी नहीं ले पाई, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो लक्ष्य को अपने पापा की साफ़ी उसने कंधे पर रख ली है, बहुत बड़ा आदमी जैसा लग रहा है यार। समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी कभार मैं यही सोचती हूँ। और लड्डू ना अभी आज सारे दिन अच्छे से सो नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे ना, तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों में आदत नहीं है ये सारी चीज़ें मतलब देखने की। वो बहुत ज़्यादा लोगों को देखता है तो सोता नहीं है, तो अभी गाड़ी में आते ही वो सो गया। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बामो और आप लोग देख सकते हो पुलिस कितनी लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेके टायर फैक्ट्री है ना, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह, क्योंकि वो लोग सबलगढ़ गए थे, वहाँ से रिटर्न में इधर जेके टायर फैक्ट्री में आए हुए हैं, इसलिए इतना ज़्यादा पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। सुबह जब हम इधर से गए थे ना तब बस भी नहीं चल रही थी क्योंकि ये लोग आते हैं तो बंद कर देते ना बस वगैरह, तो आम जो पब्लिक होती है उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है यार। हे एवरीवन, समय हो गया 8:09, हम लोग अभी घर आए हैं। अभी मैं चेंज वेंज करती हूँ और उसके बाद जो भी मैं आइटम वगैरह लेके आई हूँ, अचार वगैरह मम्मी ने रख दी है मेरे लिए, बना के रखे थे आम का मीठा और खट्टा और लिसाए का अचार, वो सारी चीज़ें अभी मैं जो रखनी है और भी आइटम है वो सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नहा लूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लड्डू बहुत रो रहा है यार, कहीं जाते आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो चलिए झटपट से सारा काम कर लेते हैं। A few moments later. और मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी बट मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना सब कुछ हो गया कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं है, अभी हो रहा है रात का समय और यहाँ पे मोहित को आज मैंने बोला कि बेटा आज मत जाओ, यहीं रुक जाओ क्योंकि बहुत रात हो गई है। तो लड्डू को आप लोग देख सकते हो कैसे देख रहा है क्योंकि वो अभी आता है ना तो उसको जानने लगा है लड्डू। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात में आते ही मैं काम पर लग गई थी और आज लक्ष्य स्कूल नहीं गया है क्योंकि मैं उठी थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी तो इन्होंने मना कर दिया। तो अभी बन रही है चाय एंड पोहा। मोहित अभी नहीं गया, मैंने उसको बोला कि अभी मत जाना क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है, तो आराम से चला जाना। और देखो ये मेरे क्या हो गया था, रात में मैं नहाई थी, आके कपड़े वॉश करे, सारा काम किया और बच्चों को खाना पीना खिलाना पिलाना, तो अभी 1 बजे सोई थी मैं रात में। और अभी झटपट से बना लेते हैं। और आज अभी तक दीदी नहीं आई, मैंने कॉल किया था, उनके पास फ़ोन नहीं रहता तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनके बच्चों ने उठाया था। और देखो मेरी नेल पेंट कितनी अच्छी लग रही है ना। चलिए झटपट से बना लेते हैं पोहा और चाय। तो अभी हम सब लोग साथ में बैठ के नाश्ता पानी कर रहे हैं, दीदी बस आने ही वाली होंगी। और देखो लड्डू को कैसे मोहित के हाथों से खा रहा है, हमारे हाथ से नहीं खाता ये, भैया की शर्ट खा रही है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं नींबू पानी। एक्चुअली दीदी आज थोड़ा लेट आई हुई हैं इसलिए हम लोगों ने चाय पानी कर लिया था, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो नींबू पानी बना देते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पे साथ में ही मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अपनी दीदी से बोला हुआ था, कल मैं मायके गई थी ना, कि मुझे कढ़ी खानी है तो मठा लेके आना, तो वो मेरे लिए स्पेशली मठा लेके आई थी। यहाँ पे मैंने साथ में चावल भी बना लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ना मठा मिलता नहीं है, पैकेट वाली छाछ होती है ना अमूल की, वो मिलती नहीं है। और वैसे भी मुझे घर की छाछ बहुत अच्छी लगती है, तो दीदी ने बहुत ज़्यादा छाछ रख दी थी, दही रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से पार्सल आ रहे हैं क्योंकि लड्डू के बर्थडे आने वाली है, हमने उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है, कुछ पार्सल आ गए हैं आप लोग देख सकते हो।
कुछ अभी बाकी रह गए हैं और अभी किसी की भी शॉपिंग नहीं हुई है, लड्डू की शॉपिंग हो गई है। अब बारी बारी से डेली पार्सल आते हैं उसके, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी तो सबकी शॉपिंग बाकी है और बर्थडे ब्लॉग भी आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल मोहित हमारे साथ आया हुआ था तो फिर बारिश भी होने लगी थी आज सुबह में, तो मैंने बोला बेटा खाना पीना खा के जाना, तो वो भी कढ़ी चावल खा के चला गया है। और अभी यहाँ पे लड्डू को आप लोग देख सकते हैं, मेरा बच्चा लड्डू। लड्डू हेलो, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो जय श्री राधे, बोलो श्री राधे लड्डू। श्री राधे लड्डू, इधर दिखा लड्डू को। A few moments later, लड्डू इतना ज़्यादा शैतान हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे वो दिन याद आते हैं जब लोग कहते थे कि अभी तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब रखवाली ज़्यादा हो जाएगी। और सच में वो उनकी बातें मुझे याद आती हैं। इसने घर में ये माहौल कर दिया है, कुछ भी खोलता है, 24 घंटे इसके आगे पीछे हम लोगों को घूमना पड़ता है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लक्ष्य बोल रहा है मम्मा मैगी बना दो, तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं मैगी। झटपट से लड्डू खेल रहा है, लड्डू की शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एवरीवन, अभी बनाने जा रही हूँ मैं मैगी, क्योंकि लक्ष्य बोल रहा था कि मम्मा मैगी बना दो, तो ये अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। और मैंने देखो इयर रिंग्स भी नहीं पहने, ये निकालूंगी। और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लड्डू में ही सारा दिन निकल जाता है। उसकी शैतानियाँ अभी बढ़ गई हैं और मेरा गला बैठ गया है ठंडा गर्म खाने पीने से। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं मैगी। और आज कढ़ी रखी हुई है, क्योंकि आज कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी रखी हुई है। तो सब्जी तो ये बोलेंगे तो ही बनाऊंगी, वरना चावल बनाऊंगी और रोटियां बना दूंगी। और आज हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने स्पेशली, मुझे पता नहीं था कि मक्खियां आ जाएंगी घर में। पीछे वाली खिड़की ओपन कर दी थी जिससे उमस निकल जाए बारिश की वजह से, और उसमें से हवा भी आती है, तो मुझे नहीं पता था मक्खियाँ भी आ जाएंगी। तो उसमें से इतनी मक्खियाँ आ गई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, हर रूम में मक्खी हो गई है। तो जगह जगह पर तो लड्डू का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि लड्डू कहीं उसको मार ना दे। वैसे तो मक्खियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि तुरंत भाग जाती हैं। चलिए बहुत ज़्यादा पंचायतें हो गई, अभी मैं बना लेती हूँ मैगी और कढ़ी चावल। क्या देखती हूँ पता नहीं, पहले करती हूँ फ़ैन ऑन, फैन ऑन। इधर से सही फोकस आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर लाइट लग जाएगी ना तो बहुत अच्छा फोकस आएगा, है ना। और मैं क्या बोल रही थी, आई मैं छत पे जाने वाली थी, फिर मैंने इनको भेज दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हुई थी ना, तो छत पे पानी ना भरा हो। बट फिर ये देख के आया छत पे पानी नहीं था, क्योंकि अभी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छत पे पानी भर जाता है, जो जिस वजह से पानी निकलता है ना वो एकदम बंद हो जाती है कचड़े से, क्योंकि कचड़ा भी आ जाता है छत पे। आपको पता है कि तेज आंधी तूफान चलता है, साइड में हमारे साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इसलिए। और चलिए बना लेते हैं लड्डू। जी में जी, आज कहाँ से दिन निकला है, कभी कभी बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर ये मिलेगा नहीं। अच्छा, लक्ष्य बोल रहा था कि मैं मौसी नहीं बोलूंगा, मैं तो दीदी बोलूंगा, दीदी बना रहा है वो मेरे। हाँ, तो ये अंजलि यहाँ पे बैठी हुई है, मैं जा रही हूँ किचन में, अभी थोड़ा चावल ने सीटी मार दी है, भैया बैठे है वहाँ पे और लड्डू हमारा सो रहा है। बार बार लड्डू को उठा रही, मैंने बोला भैया मत उठा, प्लीज मत उठा, अरे बाद में खिला लेना यार, कैसे कैसे करके सुलाया उसको। बड़ी बहन छोटी बहन, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, एक्चुअली पतदेव और भैया दोनों खा रहे थे, लेकिन इन्होंने खाना खा लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी खाना खाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ये सब लोग ना मजाक बना रहे थे, मैं एप्रिन पहन के खाना खा रही थी ना, और देखो यहाँ पे लड्डू महाराजा लगी लगे पड़े हैं। तो एक्चुअली मजाक इसलिए बना रहे थे क्योंकि मैं एप्रिन पहन के खाना खा रही थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि मैं ना तो बनाती हूँ उसके बाद खाती हूँ, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करने के बाद ही निकालती हूँ। और यहाँ पर डिस्कस चल रहा है कि खाना कौन अच्छा बनाता है, आज का खाना कैसा बना, ससुराल में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, यही सारी बातें चल रही थी। उसके बाद अंजलि और भैया निकल गए और यहाँ पर लड्डू को देखो ये कैसे डरा रहे हैं ऐसे करके, लेकिन लड्डू आँखें बंद करता है, बहुत क्यूट लगता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन लड्डू बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है,
और अभी लड्डू की बर्थडे भी आने वाली है और देखो देखो कितना शैतान हो गया है। अभी मैं बहुत कम कैप्चर कर पाती हूँ इसकी, और मुझे कमेंट आया था कि लड्डू की रियल वॉइस में वीडियो डाला करो, तो मैं रियल वॉइस में बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप डालती हूँ, आप लोग देख लिया कीजिए। आगे मैं और भी ध्यान रखूँगी, रियल वॉइस में डाला करूँगी। और देखो यहाँ पर जानबूझ के ये लक्ष्य को पीटता भी है, लक्ष्य भी इसको डांटता है, फिर भी ये लक्ष्य में घुसता चला जाता है, इतना प्यार है दोनों में। देखो कैसे कर रहा है। मैं इससे कह रही थी लक्ष्य से, बेटा ऐसे मत सिखाओ, क्योंकि बच्चे तो जानते नहीं है ना कि क्या चीज़ मार होती है, क्या चीज़ क्या होता है ऐसे, तो बच्चे तो वही सीखते हैं। तो देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। ये रात का समय है, रात के समय हमारे घर में यही चलता रहता है। देखो उसके बाल कैसे निकाल रहा है ये, इसको हम लोग डांट रहे, मतलब ये डांट रहे थे, मैं इनको डांट रही थी कि ऐसे मत करो बच्चे के साथ। और यहाँ पर देखो अपने पापा के पास कैसे जा रहा है ये, मतलब ये इतना अटैच हो गया है ना इनसे, कहीं भी जाने नहीं देता, यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं जाने देता। पजामी देखो, मैंने इसको लूज वाली पजामी पहना दी है, और अभी नेक्स्ट डे हो रहा है और मैंने लड्डू को नहला धुला के कर दिया है रेडी, और हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए।